नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ये कोई एक्सपोज वीडियो नहीं, ये बस एक कंपैरिजन है कि जो बीजेपी के समर्थन में बोलता है वो कैसे फेक न्यूज स्प्रेडर हो जाता है, हेट स्पीकर हो जाता है, और वहीं धुराठी जैसे लोग वही सेम बात, बिल्कुल वही बात जो मैं अपनी वीडियोज में करता हूं, अपनी आइडियोलॉजी से करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस समस्या एक और है, उन्होंने अपने वो पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए। वो तो आजकल सब कुछ मिल जाता है, डिलीटेड चीज भी, तो हमें भी मिल गई। चलिए पहले एक चीज देख लेते हैं। इस्लाम नेवर टीच समवन टू बी अ टेररिस्ट। 2015 के इस कमेंट के जवाब में ध्रुव राठी कहते हैं, ऑल टेररिस्ट अटैक्स इवन इन मुस्लिम कंट्रीज हैपेंड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। द टेररिस्ट देमसेल्फ क्लेम टू बी द फॉलोअर ऑफ इस्लाम। द ओनली थिंग वन कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, मोस्ट टेरर अराइज फ्रॉम रिलीजन। अब यहां ध्रुव राठी कह रहे हैं, जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं वो मजहब के नाम पे होते हैं। यही नहीं, जो इस्लामिक कंट्री में भी हमले हो रहे हैं वो मजहब के नाम पे हो रहे हैं, और इस बारे में खुद टेररिस्ट बोलते हैं। मतलब वो ये बात बोले तो सेकुलर, यही बात अभिषेक तिवारी बोले तो कम्युनल। ये क्या है यार दोस्तों, ये ठीक बात नहीं है। यही बात मैं भी बोल रहा हूं तबलीगी जमात को लेकर के। जब मैंने एपिसोड बनाया था तो आप स्वयं अवलोकन कीजिए कि आपने कैसे मुझ पे हमला किया था, नफरत फैलाने वाली बात कही थी। ये उस कमेंट का जवाब दे रहे हैं इसमें ध्रुव राठी, जिसमें उसने लड़के ने कहा है कि देखिए इस्लाम जो है आतंकवाद नहीं बताता है, पर अब ये डिलीट मिलेगा। क्या करें भाई, अब रास्ता बदल गया है ध्रुव राठी जी का। आप आईटी सेल ज्वाइन करने के बाद कोई एक्सपोज नहीं है ना, ये तो वो चिक कमेंट्स हैं जो वापस आपको दिखा रहा हूं, जो इन्होंने डिलीट कर दिए थे ये सोच के कि अब रास्ता बदल लिया है तो सेकुलरिज्म अपनाना जरूरी। अब ये पोस्ट 25 जुलाई 2016, फोर टेररिस्ट अटैक इन द पास्ट वीक इन जर्मनी, ऑल डायरेक्टली रिलेटेड टू इस्लामिक रिफ्यूजीज। इवन अ 10-year-old would know that the root of causes of these attack in the name of religion, culture, ideology of Islam, especially Quran. 2016 की एक और पोस्ट है फेसबुक की, जिसमें वो लिखते हैं, चार आतंकवादी हमले होते हैं जर्मनी में जो डायरेक्टली रिफ्यूजीज से रिलेटेड है। यही नहीं, वो ये भी लिखना नहीं भूलते कि एक 10 साल के छोटे बच्चे को भी पता है कि ये सब मजहब के नाम पे किया जा रहा है, जिसका असल कारण कुरान है। वाह ध्रुव राठी जी, इस बात पे मेरा संपूर्ण समर्थन है। इसीलिए तो मैं नहीं चाहता कि रोहिंग्या यहां पे आए, बांग्लादेशी आए यहां पे, मगर आप एनआरसी का विरोध फिर क्यों करते हैं यार। अच्छा वो सेकुलरिज्म हो सकता है, फंडिंग भी आजकल आ रही हो है वो, लेकिन अरब वाले आजकल जो डैडी है ना यहाँ के ओरिजिनल वालों के, जो मतलब जमातियों के, वो बड़े गुस्से में है। वो इस्लामोफोबिक को लेकर के सोनू निगम को घेर रहे हैं, देख लीजिएगा कहीं इस वीडियो के बाद। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ये रास्ता क्यों बदल दिया? ध्रुव राठी के पुराने कमेंट्स में से ये सबसे शानदार है। आई कैन हैव सेक्स विथ अ स्लेव व्हाइल आई एम अलाइव एंड इफ आई कंटिन्यू डूइंग गुड आई विल रिवार्डेड विद 72 सच सेक्स स्लेव, कुरान 23.5। बहुत अच्छे ध्रुव भाई, बहुत अच्छे, मैं तो मानता हूं यार। इस बार तो बंदा कमाल कर जाता है, अली फराज का एक ये उठा के 72 हूर के कॉन्सेप्ट पे बात करता है। यही बात हम भी करते हैं, पर हमें लोग बोलते हैं यार तुम नफरत फैला रहे हो क्योंकि तुम बीजेपी के समर्थक हो, लेकिन यही इस्लाम के अगेंस्ट में ये सारी चीजें। वैसे सच है, मैं मानता हूं, मैं सच मानता हूं, सच है। तुम बोलते हो तो यार तुमको ये लोग फंडिंग करते हैं, वैसे हमें तो राइट विंग वाले चवन्नी भी बड़ी मुश्किल से देते हैं, पर ठीक है, अगर ये सारा खेल फंडिंग का, सियासत का और पॉलिटिक्स का है तो मुझे लगता है ध्रुव राठी तुम इस खेल के चैंपियन हो। मैं मानता हूं, बेशक बहुत अच्छा काम, मतलब मन में भले नफरतें हो पर जबान पे नहीं आना चाहिए, और मौके की नजाकत को देखते हुए पुराने पोस्ट डिलीट भी कर देने चाहिए। कमेंडेबल जॉब बॉस, सुपर, सबसे बेस्ट है। आई टुक दिस वीडियो इन अ मेट्रो स्टेशन इन बर्लिन डे बिफोर यस्टरडे, अरब गाइस रैलिंग एंड शाउटिंग अल्लाहू अकबर एंड गाली देते हैं, उसके बाद ट्रंप को फिलिस्तीन फ्लैग। वेरी शॉकिंग टू सी हियर इन जर्मनी सिटी व्हिच हैज नथिंग टू डू विद फिलिस्तीन और यूएस। ये बर्लिन का इंसिडेंट है इनका यार, ये सही है ना, मतलब अगर वही बर्लिन में हो, आपके शहर में ये सारी चीजें हो तो सही सुनता है, और मेरे पटना में अगर हो जाए यही चीज यार, कारगिल चौक जाम कर देते हैं, आई सपोर्ट
फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, यहूदियों को गाली देते हैं, तो यहां भी उनका कोई लिंक नहीं है ना। तो मैं क्रिमिनल कहलाता हूं, तुम सेकुलर कहलाते हो। बात करते हैं फैक्ट पे। फैक्ट ये है कि इस देश के माइनॉरिटी को, सो कॉल्ड माइनॉरिटी मुस्लिम्स को, बीजेपी को रिमूव कर रहा है। तो उनके पक्ष में अगर कोई भी बात करेगा तो उसे अपना बाप बना लेंगे। इस बात से उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम सही बोलते हो गलत बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके फेवर, उनके चश्मे के नंबर के हिसाब से वो चीज मिलनी चाहिए, और तुम वही कर रहे हो, स्मार्टली खेल रहे हो लोगों के इमोशंस के। तुमने याद है बीजेपी एक इनसाइडर ध्रुव राठी, तुमने बीजेपी इनसाइडर महावीर खलेरी को एक बार बुलाया था, उससे पूछना अभिषेक तिवारी के बारे में, वो बहुत अच्छा बताएगा। मैं भी कुछ अच्छा बताता हूँ दोस्तों को। मतलब इस्लाम के अगेंस्ट में उसकी 10 फेसबुक पेजेस जो आज बंद हो गई हैं, और ये मुसलमान उसको फंडिंग भी देते हैं, जो बंद हो गई हैं या उसने अब बंद कर दी हैं, वो खुद बताएगा कभी अगर आप बात करो कोई और आदमी बनके, उसने बनाए और चलाए थे। ये बीजेपी आईटी सेल के कहने पे उसने नहीं किया था ना, बीजेपी आईटी सेल में जाने के लिए, उनके नजर में आने के लिए ये उसने तमाम काम किए। और जब बीजेपी आईटी सेल में वो भाव नहीं मिला, वो पहुंच नहीं मिली, तो बीजेपी आईटी सेल इनसाइडर बनके तुम्हारे साथ शो में आकर के बताया कि मैं जो है बीजेपी आईटी सेल में ऑफिशियली नहीं था, अनऑफिशियली था, किसी एक लड़के का जिक्र करके। कम ऑन, ऐसा नहीं होता है। महावीर खलेरी जैसे हार्ड कोर क्रिमिनल आज सेकुलर बने बैठे हैं, यही राजनीति है। इस राजनीति में सब पैसे का खेल है और लोग देख रहे हैं। तो इस्लामोफोबिक तो शायद ध्रुव राठी भी है, पर यह बात और है कि मुसलमान भी कहने से डरेंगे। अब समस्या कहां है? समस्या यह है कि ये बीजेपी अभिषेक मिश्रा, जो कभी बीजेपी का समर्थक था, एंड ओबरलेटर ने एक्सपोज किया था कि कैसे आर्काइव में कभी आईडी अभिषेक मिश्रा और ध्रुव राठी का चैनल सेम था, और बाद में चूंकि वो जगह नहीं मिली बीजेपी आईटी सेल में, तमाम मेहनत करने के बावजूद मोदी के समर्थन में अभिषेक मिश्रा ने खूब पोस्ट किए थे 2014 के पहले, पर 2014 के बाद कांग्रेस आईटी सेल को एक अच्छे लड़के की जरूरत थी। अभिषेक मिश्रा जैसे लड़के को बीजेपी में किसी ने नहीं पूछा, तो चलो कांग्रेस की बात करते हैं। कुछ ऐसा ही ध्रुव राठी का है। तमाम कोशिशें पहले हुई होंगी, पर अफसोस ऐसे अपॉर्चुनिस्ट को जगह नहीं मिली। तो आम आदमी पार्टी में बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये वॉलंटियर थे, इनके कई पुराने पोस्ट और आपको कई चीजें मिल जाएंगी गूगल पे लिंक। खैर, ये खुद भी स्वीकार करते हैं, अच्छी बात है। पर यार, जब आप किसी पार्टी के वॉलंटियर हो तो आप पत्रकार नहीं हो। बस मैं यही साबित करना चाह रहा था यार, तुम पत्रकार नहीं हो, तुम कुछ भी हो सकते हो पर पत्रकार नहीं। मैं खुद हर बार कहता हूं अपने दर्शकों से, और हर बार बोला है, मैं बीजेपी समर्थक हूं, पर बीजेपी पार्टी से इवन मैं वॉलंटियर के तौर पे भी नहीं जुड़ा हूं। और बीजेपी की आइडियोलॉजी मुझे पसंद हो ना हो, आरएसएस की आइडियोलॉजी में मेरा संपूर्ण विश्वास है। इस वजह से कई मुद्दों पे बीजेपी के साथ मेरे वैचारिक मतभेद होने के बावजूद मैं बीजेपी का समर्थक हूं, बस यही कारण है। पर आप आम आदमी पार्टी जैसे सो कॉल्ड सेकुलर के क्यों समर्थक हैं, अगर आप इस हद तक इस्लाम के बारे में सोचते हैं? और अगर कभी वीडियो देख लिया हो तुमने, या तुम्हारे भक्त देख लेंगे तो तुम तक पहुंचा देंगे, बस ये बता दो यार, इन पोस्टों को डिलीट क्यों किया? डिलीट नहीं करना था, अपनी बात पे डटे रहो। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं समर्थन कर रहा हूं तुम्हारे पोस्ट का, मैं तुम्हारे उस हर एक चारों पोस्ट जो मैंने दिखाया उनका समर्थन कर रहा हूं, और ये वास्तविकता है, और इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। बॉस, तुमने रास्ता बदल दिया। जय श्री राम नारा, यहाँ कम्युनल चैनल है ना, तो जय श्री राम का नारा लगता है। जय श्री राम।